हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास टेंथ में बायोलॉजी, उसमें पढ़ रहे थे चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसमें से अपन ने फर्स्ट पार्ट, न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम्प्लीट किया था। उसके बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने कल की क्लास में शुरुआत किया था ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने कल की क्लास में शुरुआत किया था, उसका डिवाइडेशन किए थे, उसके पार्ट्स को देखा था हमने ना, कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्य के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता था। फर्स्ट था अभिवाही, इसका दूसरा नाम संवेदी, एफरेंट नर्व्स या फिर सेंसरी नर्व्स। ठीक है, दूसरा था अपवाही तंत्रिका, इसका दूसरा नाम था चालक तंत्रिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं एफरेंट नर्व्स या मोटर नर्व्स। ठीक है, और थर्ड थी मिश्रित तंत्रिका। ठीक है, तो आज अपन अभिवाही तंत्रिका को देखते हैं पहले तो ना, कि ये अभिवाही तंत्रिका का काम क्या होता है। ठीक है, अभिवाही तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं एफरेंट नर्व्स। क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व्स, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि इन्हें संवेदी तंत्रिका कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। ठीक है, इन तंत्रिकाओं को संवेदी तंत्रिका कहा जाता है, यानी कि अभिवाही तंत्रिका का दूसरा नाम है संवेदी तंत्रिका। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि ये तंत्रिकाएं वातावरण से प्राप्त संवेदनाएं, स्टिमुलाई, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती है कि वातावरण से प्राप्त संवेदनाएं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। ठीक है, ये हो गया अभिवाही तंत्रिकाओं का काम। ठीक है, ये क्या करती है कि वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट पढ़ा था अपन ने अपवाही तंत्रिका, एफरेंट नर्व्स। ठीक है, इन्हें चालक तंत्रिका कहा जाता है। चालक तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं मोटर नर्व्स। चालक तंत्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। ठीक है, चालक तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं मोटर नर्व्स। और संवेदी तंत्रिका को क्या बोलते थे? सेंसरी नर्व्स। संवेदी तंत्रिका को सेंसरी नर्व्स। ठीक है, उसके बाद में ये तंत्रिकाएं सूचना संदेश को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्रभावित अंग तक लेकर जाती है। ठीक है, वो क्या कर रही थी कि लेकर जा रही थी किसके पास? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से मेरुरज्जु के पास लेकर जा रही थी। उन तंत्रिका को कहते हैं अपन संवेदी तंत्रिका। ठीक है, और ये चालक तंत्रिका क्या कर रही है कि मस्तिष्क से मेरुरज्जु से प्रभावित अंग तक लेकर आ रही है किसको? संदेश को, ना। ये तो क्या कर रही थी? लेकर जा रही थी। उन्हें क्या कर रही है? लेकर आ रही है। ठीक है, तो जो लेकर आ रही है उन्हें कहते हैं चालक तंत्रिका। इनका दूसरा नाम होता है अपवाही तंत्रिका। ठीक है, मान लीजिए आपके पैर में काटा चुभा, तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पैर में काटा चुभा, ना? आपको दर्द हुआ तो मस्तिष्क तक संदेश गया सबसे पहले था ना, उद्दीपन गई, संवेदनाएं गई कि तुम्हारे पैर में काटा चुभा है ना। तो संवेदनाएं जो लेकर जाता है ना, उन तंत्रिकाओं को कहते हैं अपन संवेदी तंत्रिकाएं। और जो उसका रिप्लाई लेकर आती है, जवाब लेकर आती है कि अब क्या करना है अपन को, वो लेकर आती है चालक तंत्रिका। ठीक है, तो अपन ने अभिवाही तंत्रिका और चालक तंत्रिका, अपवाही तंत्रिकाओं को देख लिया है कि अभिवाही तंत्रिका के बारे में देखा कि इन्हें संवेदी तंत्रिका भी कहते हैं। ये तंत्रिका वातावरण से प्राप्त संवेदना उद्दीपनों को मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट आते हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, तो पहले लिख रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और फिर कोष्ठक में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाती है। फिर सेकंड है अपवाही तंत्रिका, एफरेंट नर्व्स। इन्हें चालक तंत्रिका भी कहा जाता है। चालक तंत्रिका इंग्लिश में बोलते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, मोटर नर्व्स। उसके बाद में ये तंत्रिका सूचना संदेश को मस्तिष्क से मेरुरज्जु से प्रभावित अंग तक लेकर जाती है। उसके बाद में अपन कार्य के आधार पर तो कंप्लीट कर चुके हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के कार्य के आधार पर भाग, उसमें से अपन ने पढ़ लिए हैं। मिश्रित तंत्रिका के बारे में अपन को पढ़ना नहीं है, केवल अभिवाही और अपवाही को पढ़ना था, जो पढ़ लिया है। ठीक है, ये क्या करती है कि मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाओं को लेकर जाती है और उसका जो रिप्लाई लेकर आती है वो होती है अपवाही तंत्रिका। अब अपन ने अपवाही तंत्रिका को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में?
टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हेडिंग डाली है अब अपवाही तंत्रिका, अपवाही तंत्रिका। इसको इंग्लिश में अभी बताया तो मैंने, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ्रंट नर्व्स। क्या बोलते हैं? इफ्रंट नर्व्स। इन दोनों स्प्लिट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि अब इसमें ई आता है और उसमें ए आता है। अभिवाही को तो बोलते हैं एफ्रंट और अपवाही को बोलते हैं इफ्रंट। ठीक है, आगे हो जाएगा नर्व्स। अब इसको भी अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था कायिक तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट कौन सा था? कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फर्स्ट था कायिक तंत्रिका तंत्र। और सेकंड था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर ने क्या किया कि अपवाही तंत्रिका इफ्रंट नर्व्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, सेकंड स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अभी कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ठीक है, अपन ने अपवाही तंत्रिका को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट है कायिक तंत्रिका तंत्र और सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि यह हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। ठीक है, और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब आप कहोगे कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण तो अपन ने मस्तिष्क में पढ़ा था कि पश्च मस्तिष्क था, हिंड ब्रेन था, रोमबेंसेफलोन था, उसमें मेटेनेसेफलोन का हिस्सा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम था, वो क्या कर रहा था, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा था। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अनुमस्तिष्क ही करता है, लेकिन कुछ थोड़ा कायिक तंत्रिका तंत्र भी आपके ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, तो कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखो कि यह तंत्रिकाएं ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी होती है और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। यह तंत्रिकाएं लिखो, ये तंत्रिकाएं ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है, ये तंत्रिकाएं ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है, हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करती है। यह तंत्रिकाएं हमारे शरीर में हमारे शरीर में पेशियों से ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। मुख्य तौर पर तो अनुमस्तिष्क करता है, लेकिन ये भी करवाती है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन सेकंड पार्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये क्या करती है, ये अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी होती है। ये क्या करते हैं कि ये अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी होती है और अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, वैसे जैसे ये तंत्रिका ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी थी और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रही थी, है ना भाई। और ये इनके बारे में लिखो कि ये तंत्रिकाएं अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है, ये तंत्रिकाएं अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है, अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियों से, हमारे शरीर में अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। ठीक है, तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। अपन ने अपवाही तंत्रिका इफ्रंट नर्व्स, इसका दूसरा नाम होता है चालक तंत्रिका मोटर नर्व्स। ठीक है, उसके टू पार्ट्स के, फर्स्ट हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, सेकंड स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं अपन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में पढ़ा, कायिक तंत्रिका तंत्र के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये तंत्रिका शरीर की ऐच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है, मुख्य तौर पर अनुमस्तिष्क से करता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिकाएं शरीर में अनैच्छिक पेशियों से जुड़ी रहती है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, अपन ने अपवाही तंत्रिका के पार्ट्स कर लिए, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को
यानी कि अपवाही तंत्रिका का सेकंड पार्ट स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, सबसे पहले तो हेडिंग डाले स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में अपन ने अभी पढ़ा था। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका अनुकंपी, सेकंड प्रानुकंपी, है ना भाई। फर्स्ट है अनुकंपी, इसको बोलते हैं अपन सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करती है कि शरीर के अंदर किसी की बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलाव को ही क्या कहा जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कि सबसे पहले देखते हैं अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये क्या करती है कि शरीर के अंदर किसी बात को लेकर अचानक से महसूस किए जाने वाले बदलावों को क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, नियंत्रण करती है। तो ये क्या करती है कि शरीर के अंदर किसी भी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए कि शरीर के अंदर किसी भी बात को लेकर अचानक महसूस शरीर के अंदर किसी भी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों को बात को लेकर किसी भी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों को अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों को या फिर बदलाव के लिए अचानक महसूस किए जाने वाले बदलावों के लिए किए जाने वाले बदलावों के लिए बदलावों के लिए कौन जिम्मेदार है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। भाई जो भी बदलाव होंगे उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं कि शरीर के अंदर किसी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलाव को ही कंट्रोल करने का काम करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। जैसे रिजल्ट के ठीक आने के पहले बीपी बनना और भूख लगना, गले का सूखना, बीपी का बढ़ना, है ना, तो ये सब अचानक महसूस किए जाने वाले बदलाव है। ठीक है, अब प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करती है कि ये तो शरीर के अंदर किसी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलाव के लिए नियंत्रण कार्य करती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो अचानक से महसूस किए जाने वाले बदलाव है, जो भी बदलाव हुए हैं ना अपने शरीर में, उसको सामान्य अवस्था में जो लेकर आती है वो होती है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, वो कौन सी तंत्रिका होती है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा किए जाने वाले बदलाव को सामान्य अवस्था में लेकर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो कि ये तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिका द्वारा, ये तंत्रिकाएं ऐसे लिख लो, ये तंत्रिकाएं इन बदलावों को सामान्य अवस्था में लेकर आती है, इन बदलावों को वापस जैसे थे वैसे ही लेकर आती है। ठीक है, यानी कि सामान्य अवस्था में लेकर आती है बदलाव को, इन बदलाव को वापस सामान्य अवस्था में लेकर आती है, सामान्य अवस्था में लेकर आती है, सामान्य अवस्था में लेकर आती है। तो अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट की, फर्स्ट हो गया अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सेकंड प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये क्या करती है कि शरीर के अंदर किसी बात को लेकर अचानक महसूस किए जाने वाले बदलाव के लिए कंट्रोल करती है, और ये क्या करती है कि जो जो भी बदलाव होंगे ना अपने शरीर में उनको सामान्य अवस्था में लेकर आती है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अपन ने आज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
अपवाही अभिवाही और अपवाही के टू पार्ट्स, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, फिर स्वायत्त तंत्रिका के दो भाग अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र को कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।